देव की लला तो ना मालूम का जाई चलिया नी तस्मा सुर मारो जाई बाप तो लाला जो बोई चलिया है जाने भस्मा सुर को जनानी गुरु धर के संभारो सुन जाई चलिया नी हिरणाकश्यप मारो जाई ने तुम्हारे पर बाबा हिरणाकश्यप को मारो तो भूल ना रही बनी नरसी कबनी चलिया है बलि के लगे गुरुदेव अब चाहे कोई हो हमने संकल्प कर दियो है आपकी सौगंध खा दी है त्रिबाचा भर दिया है आपकी सौगंध खा दी है अब सिर्फ संकल्प रह गया है वो तो करके ही रहूंगा। बलि ने विचार किया हमारे यहाँ परम धर्म आया है और परम धर्म को पाने के लिए धर्म अगर छोड़ दिया जाए तो कोई दोष नहीं होगा। बलि चले शुक्राचार्य सोच लगे जे मानेंगे ना बलि सागर लेके आए भगवान के सामने बैठ गए बोले प्रभु चलो संकल्प कर बाबा अब सागर में से पानी लेनो चाहो लेकिन शुक्राचार्य ने सोच लगे माओ चेला तो ठगो जा रहो। शुक्राचार्य ने क्या किया एक सूक्ष्म कीड़े का रूप बनाया और सागर की टोटनी में बैठ गए ना पानी निकलेगो ना ही संकल्प होवेगो और ना ही संकल्प होवेगो ना ही दान कर पावेगो। बलि कहने लगे पता नहीं प्रभु क्या हुआ इसमें तो पानी नहीं निकल रहा। भगवान ने ध्यान धर के देखा भगवान सोच लगे बारे शुक्राचार्य लीलाधारी के सामने अपे लीला दिखावे को आए हैं। भगवान ने कहा करो लीला में लीलाधारी ने अपनी लीला दिखलाई डाली पास में ही देखा कि कुश की एक सीख पड़ी है कुश की सीख उठाई और सागर की टोटनी में अड़ाई दी अब कुश की नौक को चला करके जटवाई आकी कुश की नौक सागर की टोटनी में अड़ाई दी शुक्राचार्य की बाई आग भुट गई एक दरवाजो बंद है वो प्यारे हमें और आपको भी यहाँ शिक्षा मिलती है। जो लोग धर्म के काम में रुकावट बनते हैं ना जो लोग धर्म के काम में दीवार लगाते हैं वो शुक्राचार्य की तरह अपना एक दरवाजा बंद करा लेते हैं चाहे वो कोई सा भी दरवाजा हो। एक जगह हम कथा करने गए शाम को 5 बजे आरती करा रहे थे और आरती के बाद हमने कहा भाई सभी को आरती के दर्शन करा दो सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर ही जाए तो आरती भाई एक भैया घुमा रहे थे तो एक मैया मैया आती सहेली सहेली उनने कहा करो अपने साड़ी के पल्ला में से आरती लेने का जी रुपया झोंक में से पहले की माता झोंक में रुपया ज्यादा बांधती होती तो उनने झोंक में से सिक्का निकालो 1 रुपया निकालो 1 रुपया की आरती ले ली। दूसरी मैया ने अपे
छोक में तो सिक्का निकालो बाप है तो दो को सिक्का बान तो ले एक रुपया तैयार थी और जाने निकालो जाके पास तो दो को सिक्का बाने दो को सिक्का लेके आरती लेने कुंजो करी अब पड़ोस ने देखी हमने लई एक से जतो ले रही दो से बे बोलिए पागल है रे का बोले क्यों एक से लेओ एक से कल ना आयो का एक रुपया से लेओ कल ना आयो पागल है रे का तो भैया कमी इसकी नहीं है पाप इसने नहीं कमाया पाप तो इसने कमा लिया जिसने रुकावट लगा दी तो भैया अगर कोई धर्म का काम कर रहा है ना तो रुकावट की वजह आप उसका सहयोग करना आप उसका सहयोग करना साथ देना चल भाई तू कर मैं तेरे साथ हूं कभी भी धर्म कहते हैं ना दुष्कर्म टले उसको टालो उसका सदैव टलना अच्छा शुभ कर्म करो जितनी जल्दी उतनी जल्दी करना अच्छा शुभ कर्म दिमाग में जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी सोचो विचारो मत उतनी जल्दी कर डालो और दुष्कर्म जितना टाल पाओ उतना टाल दो आज नहीं कल आज नहीं कल आज नहीं कल दुष्कर्म को टालते रहिए प्यारे बोलिए गोविंद भगवान की महाराज अब बलि ने सोचा कि हमारे सामने परम धर्म खड़ा है परम धर्म को पाने के लिए अब धर्म को छोड़ सकते हैं गुरु की आज्ञा छोड़ दी भगवान को संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जब सूक्ष्म कीड़ा का रूप लेकर बैठे तो भगवान ने उसकी नौ को चलाकर उनकी एक आंख फोड़ डाली महाराज इसी के बीच में आप सभी ने देखा ये एक नोटों की माल्या और एक पगड़ी और एक पगड़ी बहन अनीता जी के लिए भी है और समस्त स्टाफ के लिए एक हरी 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 का पटका और एक माला भेंट हुई है ग्राम नानों से बड़े प्राता श्रीमान राहुल कुमार भैया जी श्रीमान राहुल कुमार भैया जी ये बता रहे थे अभी कि दीदी हमने भी ऑर्गन बहुत बजाया है पहले लेकिन और समस्त स्टाफ को एक एक माल्या और 21-21 मुद्राएं भेंट की हैं बड़े भ्राता श्रीमान राहुल कुमार भैया ऑर्गन प्लेयर जी ने बहुत बहुत आभार भैया का और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी हमारे यहाँ पधारे और प्रार्थना करेंगे सरस्वती माता कृपा करती रहे साक्षात कृष्णांगन में बधाई झनकार करती रहे माता लक्ष्मी दाई निवास करती रहे शंभू